फर्स्टली रिचा वेलकम टू आवर शो एंड बस बिग बिग कांग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू शो. कितना एक्साइटमेंट है शो पर. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. अगर बात कर रहे आपके कैरेक्टर की, तो व्हाट इज द वन थिंग यू लव अबाउट योर कैरेक्टर एंड व्हाट इज द यूएसपी अबाउट योर कैरेक्टर? आई थिंक देयर इज सो मच टू लव अबाउट गज़ल, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही बिंदास लड़की है यार. मतलब अपनी जो लाइफ है ना, वो ऐसे जीती है कि जैसे आखिरी, मतलब जो हमें भी लगता है यू नो कई बार कि कल नहीं हो सकता है यू नो. सो वो ये वैसी टाइप की लड़की है कि ज़िंदगी एक बार आती है, सो खुलकर जियो उसे. सो आई थिंक दैट वन थिंग इज़ द यूएसपी ऑफ द कैरेक्टर एंड ऑल्सो वॉट आई वुड वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हर, कि ऐसा मुझे भी यू नो जीना है कि यार कल का कौन सोचता है वैसा वाला. एंड ये कैरेक्टर बहुत बिंदास है, मॉडर्न ख्यालात का है, और शी इज़ ऑल्सो वेरी वेल रेड, और काफ़ी ऐसी लड़की है जो प्री नोशंस, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, शी डजंट फॉलो दैट. मतलब अगर कुछ गलत है, ऐसे नहीं कि अगर कुछ सही है ऑफकोर्स वो फॉलो करेगी, बट अगर कुछ लगता है कि कुछ गलत है तो शी स्टैंड अगेंस्ट इट और अपना एक स्टैंड लेगी. तो ये अभी तक की इसकी जर्नी है और ऐसा कैरेक्टर है. अब आगे देखेंगे कि इसकी जर्नी क्या रहती है. सो रिचा, अनु जैसे कि आपने कहा कि आपका कैरेक्टर फुल ऑफ लाइफ जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैलेंज भी होता है कि ऐसा कैरेक्टर कैसे निभाया जाए. सो एनी रेफरेंस यू हैव टेकन फॉर दिस कैरेक्टर और एनी चैलेंजेस यू आर फेसिंग फॉर दिस कैरेक्टर? चैलेंजेस तो हर एक कैरेक्टर में आते हैं, डेफिनेटली इसमें हैं, बिकॉज शी हैज़ टू बी ऑल द टाइम वो पूरा फुल ऑफ एनर्जी, एंड टू लिव दैट कैरेक्टर समटाइम्स ऑब्वियसली बिकम्स डिफिकल्ट. तो अभी तो ऑनेस्टली मेरे को, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फाइनलाइज हुई हूँ, एंड मतलब अनफॉर्चुनेटली टीवी शोज़ में आपको इतना टाइम नहीं मिलता टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर, टू हैव वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग. एक दिन में यू आर ऑन द सेट, ऐसा होता है. तो अभी सेट पर ही आहिस्ते आहिस्ते सीख रहे हैं. हमारे सर हैं रंजीत सर, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, एंड क्रिएटिव टीम है हमारी, और सब लोग हैं, राइटर्स हैं, एवरीबडी इज़ लाइक यू नो एज अ टीम वी आर वर्किंग टुगेदर. सो आई होप आपको पसंद आए, अच्छा लगे, और तो भूल चुक माफ. आज भी ऑडियंस आपको आपके पिछले किरदार के लिए काफ़ी प्यार देती हुई आई है ना, दे ऑलवेज लव यू टू सी आपके पिछले वाले किरदार में आप एक नया किरदार होने वाला, तो कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली है नो आपका ये नया लुक, कैसे उनको पसंद आएगा आपका ये कैरेक्टर? पहले तो थैंक यू सो मच सारे मेरे फैंस ऑडियंसिस को कि आपने इतना ज़्यादा पसंद किया मेरा पिछला शो, मेरा पिछला कैरेक्टर. एंड आई वुड वॉन्ट कि आगे भी आप ऐसे ही प्यार दीजिए, और आई एम श्योर, लाइक आई एम जस्ट होपिंग कि आपको पसंद आएगा ये कैरेक्टर, क्योंकि ये आजकल की लड़की है, यू नो आजकल की लड़की है, एंड फुल ऑफ लाइफ है. तो आई जस्ट होप पसंद आए जी. अगर कंसेप्ट की बात करें तो शो का कंसेप्ट अलग है काफ़ी. हस्बैंड इज आस्किंग हिज वाइफ कि मैं शादी करने वाला हूँ, उससे ही परमिशन लेता है. हाउ यू रिएक्टेड एंड लर्न अबाउट दिस कंसेप्ट? हाउ यू, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट अबाउट दिस शो, अबाउट दिस कंसेप्ट? ऑनेस्टली वक्त ही नहीं मिला सोचने का, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फाइनलाइज हुई हूँ. जस्ट दैट येस आई वॉन्टेड टू डू अ शो जो मुस्लिम बैकड्रॉप का शो हो, तो मैं उसी से एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा. एंड ऑल्सो हियर दिस शो इज़ अ वेरी यूनिक शो. इसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस, यू नो ओनली अबाउट अ लीड कैरेक्टर हु इज़ आस्किंग परमिशन फ्रॉम हिज़ वाइफ टू गेट मैरिड. इससे भी और ज़्यादा इमोशंस है जो आप जिससे ऑडियंसिस जुड़ेंगी आगे, और भी ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए, और उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा. जैसे कि हमने ट्रेलर देखा, तो जब कोई तीसरा पंडा आता है एक लव वर्ड के बीच में, तो ऑडियंस उसे ही एक विलन किरदार घोषित कर देती है. इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो टच वुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज आई थिंक ऑडियंसेस हैव आल्सो काइंड ऑफ फेल्ट दैट इट्स नॉट नेगेटिव, क्योंकि वही है कि ये सोच होती है कि एक माइंडसेट है कि पहले से कि ओ सो ये इसके बीच में आ गई तो पक्का ही गलत होगी. तो टच वुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऑडियंसेस का ऐसा कुछ रिएक्शन है, और आगे जाके भी मैं आपको बता दूँ तो ये बहुत ही पॉजिटिव लड़की है. ऐसा कुछ नहीं है कि शी इज़ कमिंग इन बिटवीन, शी इज़ डूइंग दैट, नहीं. टू पीपल हैव नेचुरली फॉलन इन लव, तो वो आगे स्टोरी वहाँ से बढ़ रही है. यस. Okay, how is your bond with your co-stars? जैसे कि मैंने करण से बात किया, तो करण ने बोला कि आप दोनों मिलकर, दोनों एक्ट्रेस मिलकर उन्हें परेशान कर. Oh my God, no. This is not the truth. ये बिल्कुल सच नहीं है. पर हम हाँ मस्ती ज़रूर करते हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी मस्ती करते हैं, तंग नहीं करते. और अदिति के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, मतलब हम काफ़ी मस्ती खो रहे हैं.
करण इज ऑल्सो लाइक दैट कि कम्स ऑन द सेट विद फुल एनर्जी और कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं और काम के टाइम काम करते हैं। शो में उर्दू डायलेक्ट्स है, सो इज इट इजी फॉर यू टू स्पीक उर्दू और इज इट चैलेंजिंग? ऑफ कोर्स इट्स चैलेंजिंग एंड एज आई सेड बिफोर कि हमें टीवी शोज में नहीं टाइम मिलता है टू वर्क ऑन आर कैरेक्टर्स ऑन आर डायलेक्ट, तो वो सब सेट पर होता है ऑनेस्टली, तो कुछ नहीं आ रहा है कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, प्लस आई एम फ्रॉम शिमला, मेरा एक्सेंट इज डिफरेंट, तो वो चीज़ लाना इज ऑब्वियसली अ डिफिकल्ट टास्क, बट आहिस्ता आहिस्ता वी आर ट्राइंग, तभी मैं बोल रही हूँ भूल चूक माफ। ओके, आपकी बात जैसे कि हम देख रहे हैं ना, इट्स फुल ऑफ ऑक्सीडाइज्ड वेल्स एंड कलरफुल ड्रेसेस, सो क्या बोलना चाहेंगे अपने लुक के बारे में? एनी स्पेशल यू हैव गिवन टच टू योर लुक? सो जैसे कि ये कैरेक्टर है कलरफुल गज़ल का, यू नो, फुल ऑफ लाइफ, तो वैसे इसका कॉस्ट्यूम्स है कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड मॉडर्न है, तो मॉडर्न अनारकलीज, यू नो, वेरी ऐसी ऐसी ज्वेलरी, मतलब ग्लैमरस मॉडर्न लुक। रियल लाइफ में रिचा कितना पसंद करती है ऐसा? आई लाइक वेयरिंग सूट्स अनारकलीज, मुझे पसंद है, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, बट कभी ऐसे फेस्टिवल के लिए किसी ऐसे तैयार होना हो तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर सच अ लुक। सो वन मैसेज फॉर ऑडियंस? ऑडियंसेस के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतना प्यार दिया है अभी तक, और अब हमारा शो आने वाला है, रब से है दुआ, और ये जी टी वी पर आने वाला है 10 बजे सोमवार से शुक्रवार 28th of November से, तो प्लीज़ उतना ही प्यार दीजिए, देखिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। Thank you so much. And all the best for the show. Thank you so much. Thank you.